Hello class 12 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to understand two topic and the chapter is same, electric charges and field. We are going to understand two topics which are electric field intensity at a point on equatorial position of a dipole, electric dipole. Electric dipole ke bare mein hum log pehle samajh chuke hain. What is electric dipole? Jab ek charge minus q charge और एक प्लस क्यू चार्ज दोनों एक दूसरे से छोटे से डिस्टेंस 2a मान लेते हैं, उस डिस्टेंस को 2a पर स्थित हो, सिचुएटेड हो, तो हम माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस पोलरिटी अलग है, तो इस टाइप के सेट ऑफ चार्जेस को डाइपोल कहेंगे. और इसके कारण डाइपोल मोमेंट भी हमने समझा था, उसको रिवाइज भी कर लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर टूडेज टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at equatorial point of a dipole. So first of all this, look at this diagram. यहाँ A point पर एक charge है minus q और B point पर एक charge है plus q. दोनों के बीच का distance है 2a और इन दोनों का center है O. तो center O है, तो O से A की दूरी a हुई और O से B की दूरी भी a हुई. Now as we are going to discuss about equatorial point, मतलब इसके जो equatorial axis होगा, है ना, vertical axis passing from the center. तो ये vertical axis passing from the center से एक P point ले लेते हैं कहीं पर r distance की दूरी पर. r distance की दूरी पर एक point है P. यहाँ पर हमको electric field की intensity calculate करनी है total. total मतलब दोनों charges के, ये दोनों dipole, ये जो dipole है उसके कारण. तो दो, ये dipole में दो charges हैं, एक minus q और plus q. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, कि अगर हम लोगों को किसी एक से ज्यादा चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी, तो एक एक करके हम कर सकते हैं. एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं पी पॉइंट पर, तो पहले ले लेंगे हम लोग प्लस क्यू को, पहले ले लेंगे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, देखेंगे उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है. देन वी विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड एट ए, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे हम वेक्टर सम, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई. ये हमारी स्ट्रेटजी है. सो लेट अस गो थ्रू दैट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी और कहाँ कितनी होगी. वी ऑलरेडी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है एक पॉइंट चार्ज के कारण, तो एक पॉइंट चार्ज ये रहा K into Q upon distance का square. मतलब ये Q point, ये Q charge से कितने distance पर ये P point है, तो BP यहाँ पे distance है B से लेकर P का, है ना, तो BP का square हो जाएगा K into Q upon BP square. BP की value देख लो यहाँ पे, देखो ये एक right angle triangle कहला सकता है, ये triangle POB, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा और इसमें से ये एंगल राइट एंगल है. तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा कि आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा कि बी बी पी का स्क्वायर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये हुआ बीपी स्क्वायर की वैल्यू, और बीपी स्क्वायर ही तो यहां पे था जिसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग, जिसकी वैल्यू रख देते हैं आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर. सो एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था, क्या होता था फॉर्मूला, इट वॉज E is equal to K into Q upon R का स्क्वायर, जिसमें से R क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू दैट पॉइंट. मगर यहाँ पे R कुछ और है ना, हम डिस्टेंस को ही लेंगे, तो इसको यहाँ पे R के जगह मैं लूंगा जो डिस्टेंस है हमारा क्या है, BP. BP देखो B से, B में चार्ज है और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, तो BP का स्क्वायर. अब ये BP की स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ रही है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो हम वो पुट कर देते हैं, तो हमारा पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकला पॉइंट P पर, पहले वाले चार्ज प्लस Q चार्ज के कारण, वो होगा K into Q upon R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. बस देन
इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, देखो माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट पर है और पी पॉइंट पर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है इसके कारण। तो यहां पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो ए पी हो जाएगा, देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए पी, और यहां पर भी ए पी की वैल्यू हो जाएगी हाउ मच, इट विल बी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाई? बिकॉज ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा यहां पर, राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ पी, जिसमें से राइट एंगल है ये वाला एंगल, राइट एंगल है तो ये होगा हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, ये हुआ और ये बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर एपी का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई, एपी की स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट्स व्हाई एपी के स्क्वायर की वैल्यू रख दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ई टू की वैल्यू हो गई है। तो हियर वी विल सी अबाउट द डायरेक्शन ऑल्सो, ई वन और ई टू का डायरेक्शन क्या होगा। सो लेट अस सी दैट द डायरेक्शन, देखो क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर दूर जाती हुई होगी अलोंग द लाइन, तो पी पॉइंट पर अलोंग द लाइन दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वन मिल गई हमको, और माइनस क्यू चार्ज के लिए पी पॉइंट पर अलोंग द लाइन आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। नाउ लुक एट हियर, इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम इक्विटोरियल, एक परपेंडिकुलर मतलब उसी के वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल ये ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के जैसे पी पॉइंट पर। सो हियर यू कैन सी इफ वी अज्यूम दिस एंगल टू बी थीटा, देखो यहां पर ई वन की वैल्यू, देखो यहां पर हमें ई वन यहां पे ईवन की वैल्यू जो है बीपी की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस, बीपी की वैल्यू क्या है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब हम मान लो अगर इसको थीटा मान रहे हैं तो ये भी थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा है हमको, है ना, जिसके दो साइड इक्वल है। और मैं अगर यहाँ पी पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ तो ये पी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल जो होगा वो ए बी के पैरेलल होगा, पैरेलल होगा तो पैरेलल होगा, तो ये अगर थीटा है यहां पर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल्स। नाउ सी अल्टरनेट एंगल, अगर ये थीटा हुआ और ये पैरेलल है और यहां से ये लाइन जॉइनिंग हो रही, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी कि ये भी थीटा हुआ और ये भी थीटा हुआ। तो हम यहाँ पे अब कुछ आगे देखते हैं क्या होगा। सी ई वन इज गोइंग पी पॉइंट से, ई वन ऐसा जा रहा है थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल से, और पी पॉइंट से ई टू ऐसा जा रहा है थीटा एंगल बनाते हुए नीचे की डायरेक्शन में। तो एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे ई वन और ई टू की वैल्यू, यहाँ पे सेम आ रही, ई वन और ई टू की वैल्यू को देखते हैं यहाँ पे। सी मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन एंड ई टू, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज डिफरेंट बट मैग्नीट्यूड इज सेम। सो हियर वी आर हैविंग ई वन एंड ई टू एज सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन आर सेम, सो वाई नॉट सॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे। हम इसका ई नेट निकालने के लिए एक तरीका अपना सकते हैं कि ईवन को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में बांट देते हैं, हमको मालूम है थीटा एंगल पे है ये हॉरिजॉन्टल से, तो ईवन कॉस थीटा हो जाएगा पी एक्स वन डायरेक्शन पे, है ना, थीटा एंगल जहां से बनाता है वो वाला कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाता है, ठीक। एंड देन ईवन साइन थीटा हो जाएगा जहां से थीटा नहीं बना रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ईवन साइन थीटा हो गया। इन द सेम वे ई टू का भी यही होगा, E2 cos theta जहां से theta angle बना रहा है तो P x1 direction पे E2 cos theta भी हो गया, और E2 sin theta हो जाएगा जिधर से theta angle नहीं बना रहा है उसके vertical में, तो E2 sin theta PO direction में हो गया। So here we have what we have done, E2 और E1 को दोनों को हमने cos theta sin theta के form में दो vertical axis और horizontal axis में बांट दिया। Now here we can see that
E1 और E2 की वैल्यू भी सेम है और थीटा थीटा एंगल भी सेम है, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बच रहा है क्या E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और यही दोनों मिलकर नेट E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P के बराबर होंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन क्लियरली वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ E1 एंड E2 दैट इज E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा कैंसल्स ईच अदर एज दे आर इक्वल एंड अपोजिट. Hence, only E1 cos theta and E2 cos theta will add up to give total electric field intensity at P. या EP बोल सकता हूँ. EP क्या हो जाएगा? Electric field intensity, total electric field intensity at point P. E1 cos theta plus E2 cos theta. E1 की वैल्यू है K into Q upon R square plus A square और cos theta उसके साथ में है. E2 की वैल्यू है K into Q upon R square plus A square, cos theta उसके साथ में है. ये हो जाएगा 2 into K into Q into cos theta upon R square plus A square. अब ये cos थीटा के बारे में जरा सोचिए. इस ट्राइंगल में ट्राइंगल का नाम है AOP, थीटा एंगल ये है. cos थीटा कितने के बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हुआ A, और हाइपोटेनस हमने देखा था कि कितना आ रहा था. हाइपोटेनस आएगा अंडर रूट ऑफ क्या? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इजंट इट? एपी की वैल्यू इतनी आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पाइथागोरस थ्योरम से. ओके, सो दैट्स व्हाट वी विल पुट. कॉस थीटा की जगह हम लोग लिख लेते हैं ए अपॉन अंडर रूट ऑफ, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अच्छा, अंडर रूट को मैं ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2 लिख सकता हूँ. अंडर रूट का मतलब ही होता है 2^1/2. क्या फायदा होगा देखना. तो ep की वैल्यू में मैं cos थीटा की वैल्यू रख देता हूँ, ये रहा. तो 2 into k into q upon r square plus a square into a upon r square plus a square to the power half, ये 1/2. अब देखो ये 2^a, यहाँ पे r square plus a square to the power कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ r square plus a square to the power 1/2, इन दोनों मिलकर 1 और half, दोनों मिलकर 1/1 एंड हाफ बन जाएंगे. 1.5 को कैसे कर लिख सकता हूँ मैं? 3/2 लिख सकता हूँ. प्लस होएंगे ना ये दोनों, दोनों का पावर. तो k इंटू क्यू इंटू 2a, देखो यहाँ पे थोड़ा सजा के लिख रहा हूँ, आगे काम आएगा. k इंटू क्यू इंटू 2a, देखो k को आगे ले गया, q को भी ले गया, 2a ले लिया अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2. क्यू इंटू 2a डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है p. तो k इंटू p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये हमको मिला p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अच्छा, कभी ऐसा हो कि ऐसा a की वैल्यू ना दी हो क्वेश्चन में, तो हमें वहां पे a को जीरो मान सकते हैं. कारण क्या है? देखो a का स्क्वायर है और उसके ऊपर भी एक ब्रैकेट के बाहर कुछ स्क्वायर या क्यूब होना है और उसका अंडर रूट भी हो जाएगा. तो इट मींस दैट ये जो है जीरो के बराबर ही हो जाएगा लगभग. छोटा तो डिस्टेंस होता ही है, ये जो 2a है ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है ऑलरेडी, और उसका a आधा और भी छोटा हुआ और उसका स्क्वायर होकर क्यूब होना है जिसका अंडर रूट होना है, तो वो जीरो के लगभग ले सकते हैं. तो जीरो का स्क्वायर मान लेता हूँ उसको जीरो, क्योंकि r उसके सामने बहुत बड़ा है. r डिस्टेंस a के सामने, r क्या है? p पॉइंट की दूरी सेंटर से, और a तो बहुत छोटा होगा. तो जीरो का स्क्वायर जीरो हट गया, r स्क्वायर टू दी पावर 3/2, तो 2 कैंसल हुआ, मल्टीप्लाई होके क्यूब बचेगा. तो इक्विटोरियल पोजिशन पे ep इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k इंटू p अपॉन r क्यूब, एक आसान फॉर्मूला ये हो जाएगा. अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का p पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p विल बी एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट p. सी, इसको समझने की कोशिश करो. डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता था? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर. और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है? देखो ये होगा, देखो दोनों E1 cos theta, E2 cos theta इसी तरफ से, तो E net भी इसी की तरफ होगा, पैरेलल होगा मगर अपोजिट इन डायरेक्शन टू द डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, उसके पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगी मगर एंटी पैरेलल, डायरेक्शन उसका उल्टा होगा. बस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इक्विटोरियल पोजिशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ CBSE बोर्ड एज वेल एज फॉर न्यूमेरिकल. तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. डिस्टेंस दे दिया है, 10 सेंटीमीटर का एक डाइपोल है
हैविंग चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, उसके जो चार्जेस हैं वो 1 माइक्रोकूलम प्लस माइनस दोनों में होंगे। एट इक्वेटोरियल पोजिशन पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो 12 सेंटीमीटर दूर। मतलब कैसे हो रहा है, ये है दो चार्जेस 1 माइक्रोकूलम माइनस में, 1 माइक्रोकूलम प्लस में, 2a डिस्टेंस को दे दिया 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और सेंटर से पी की दूरी को 12 सेंटीमीटर दे दिया है। गिवन में हमने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर a भी दिया है r भी दिया है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, e इज इक्वल टू के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। a दिया है, इसलिए कैसे ए दिया है, 2a की वैल्यू दी है तो उसका आधा होगा a, दोनों चार्जेस के बीच की दूरी डायपोल में। डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, पहले p की जरूरत पड़ेगी, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, पी क्यू, क्यू की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻⁶ कूलम, माइक्रो कूलम का मतलब ये होता है 10⁻⁶ कूलम, ये q की वैल्यू रख दिए। अब 2a का डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻²। कैलकुलेट किए तो p की वैल्यू आई 1 × 10⁻⁷ कूलम मीटर। याद रखना कूलम मीटर डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है। p की वैल्यू पता चल गई, r पता है, a भी पता चल जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं। k की वैल्यू नहीं दी है, घबराना नहीं, 9 × 10⁹ माइक्रो 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होगी, ये समझ लो। नहीं दिया है मतलब एयर या वैक्यूम है। p की वैल्यू रख देते हैं 1 × 10⁻⁷, ब्रैकेट के अंदर r का स्क्वायर यानी 12 × देखो r की वैल्यू क्या दी है, 12 सेंटीमीटर, 12 × 10⁻², मीटर में रखना SI यूनिट में, 12 × 10⁻², का होल स्क्वायर, देखो r का स्क्वायर है, प्लस a का वैल्यू कितना होगा 5 सेंटीमीटर, देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर 2a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻², का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसका स्क्वायर निकालना आसान है, 12 का स्क्वायर 144, 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁴, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 10⁻², का स्क्वायर 10⁻⁴, ऊपर में 3/2 पावर में रहेगा। अच्छा ऊपर में देखो 9 × 10⁹ × 10⁻⁷, ये दोनों मिलकर 10⁻² बन गए, यानी कि 9 × 10⁹, और यहाँ से 10⁴ को बाहर निकाल कर 144 और 25 को प्लस कर दो, 169 मिल जाएगा, 169 × 10⁻⁴ टू द पावर 3/2। इसका अंडर रूट पहले कर लेते हैं, तो 169 का अंडर रूट होता है 13, और 10⁻⁴ का अंडर रूट होता है 10⁻², है ना, आधा हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 से, तो -1 -2 मिलेगा। और इसका क्यूब निकालना है, तो 13 का क्यूब होता है 2197, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 − 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया 10⁻⁶। ये 10⁻⁶ ऊपर जाके 10⁻⁶ बन जाएगा, और हम डिवाइड करेंगे अगर इसे तो मिलेगा हमको 4.096 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। करके देखिए इसको, इसको 9 × जितना जीरो आ रहा है उतना जीरो पूरा लिख दो, 10⁻² × 10⁶, यानी कि 8 जीरो लिख दो इसके सामने, और 2197 से डिवाइड करना, इतना आएगा 4.096 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। This is the electric field intensity at point P at equatorial position of this dipole. ये हमें numerical में समझ में आएगा। Try to solve more number of numerical like this from some reference book. Now let us move to another topic, very short topic but very important and easy also. Let us see this topic. This topic is torque on dipole in uniform electric field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना होगा एक डाइपोल पे, क्या टॉर्क काम करेगा, चलो उसको देखते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, मतलब एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हमेशा पैरेलल दिखती है, ऐसे नहीं, एक चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, हर जगह फैलती हुई रहती है, फैलती हुई है मतलब उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का तरीका होता है, आप पैरेलल लाइंस बनाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल दिखेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, और उसमें हमने क्या किया, एक डाइपोल को रख दिया जिसका लेंथ 2a है, उसका सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है मान लो, तो डाइपोल है q चार्ज का, सेपरेशन है 2a, तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा p = q × 2a। अच्छा
ये दो दो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो इनपे एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स लगेगा, प्लस क्यू चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में धकेलना चाहेगा। इसको समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, तो मान लो इधर कहीं यहां पर कहीं एक पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और निकलती हुई उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कैसा फोर्स डालेगा, धकेलेगा उसको, तो चलो उसको उसी के डायरेक्शन में धकेल रहा है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसा धकेल रहा है। कितने का फोर्स लग रहा है, क्यू इंटू ई। ये कैसे हुआ सर, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, तो इससे क्या मिलेगा हमको, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होगा, इतने फोर्स से वो इसको दूर धकेलेगा। वैसे ही उसका अपोजिट होगा, यहाँ पर इतने फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा Q into E के फोर्स से। तो यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, अपोजिट हैं, इक्वल हैं, मगर एक दूसरे से एक दूरी पर हैं। फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज Q into E के बराबर है, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज Q into E के बराबर है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्ट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ डाइपोल, दे एक्सर्ट अ टॉर्क, ये टॉर्क क्रिएट करेंगे, उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, उसी को टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हम लोग 11th में पढ़े हैं कि आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, कोई भी एक फोर्स, दोनों बराबर है, ये वैल्यू ले लो उसकी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, वो टॉर्क के बराबर होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब हुआ, देखो एक फोर्स काम कर रहा है ऐसा, दूसरा फोर्स काम कर रहा है ऐसा, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इसको पीछे एक्सटेंड करो, ये डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इसकी वैल्यू निकालने को देखते हैं, देखो यहाँ पर ये एंगल थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल के बीच का एंगल थीटा है, तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा के बराबर होगा, पैरेलल हुए ना अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये थीटा है और ये 2a है, राइट एंगल ये यहाँ पे ट्राइंगल है, सो सी दिस विल बी 2a sin थीटा। कैसे हुआ, देखो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहां sin थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a sin थीटा, ये है वो परपेंडिकुलर, 2a sin थीटा हमको यहां मिल गया डिस्टेंस। लेट अस पुट द वैल्यू, ईदर फोर्स यानी एक फोर्स की वैल्यू रख दो q into e, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2a sin थीटा, तो टॉर्क की वैल्यू हो गई q into 2a, q 2a को बाहर ले लेता हूँ, इंटू टू ए इंटू ई साइन थीटा। क्यू इंटू टू ए को एक साथ क्यों लिया, क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, पी इंटू ई साइन थीटा मिल गया हमको। कभी भी ऐसा रिलेशन मिले जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके नया वेक्टर बना रहा है, तो इसको हम लोगों को साइन थीटा के फॉर्म में भी मिलता हुआ मिलेगा ये, और इसको हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू क्रॉस ई, या बोलू वेक्टर टॉर्क, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट टॉर्क इनटू क्रॉस प्रोडक्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट जब होता है तो जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन क्या बनेगा, उसका डायरेक्शन बनता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। अगर डाइपोल मोमेंट जेड एक्सिस के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमको टॉर्क मिलेगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में हमको टॉर्क मिलेगा। इसको पता करने के लिए आप क्या करो, डाइपोल मोमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के पाम को घुमाओ, तो जिस डायरेक्शन में आपका अंगूठा जाएगा उस डायरेक्शन में टॉर्क की वैल्यू होगी। देखो डाइपोल मोमेंट ऐसा है और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको ला रहा हूं, तो मुझे जो अंगूठे का डायरेक्शन है वो टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो गया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू साइन थीटा। एक न्यूमेरिकल दिया है हमारे एनसीईआरटी बुक में, विच इज आस्किंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट ऑफ 4×10⁻⁹ कूलम मीटर, कूलम मीटर है मतलब डाइपोल मोमेंट है, इज अलाइंड एट 30° विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम है मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क पता करो बोलता है। पी की वैल्यू दिया है 4×10⁻⁹ कूलम मीटर,
थीटा की वैल्यू 30, ई की वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम, टाउ की वैल्यू निकालना है. वी नो दैट टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, सब की वैल्यू रखते हैं, पी की वैल्यू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, ई की वैल्यू 10 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 और साइन 30, थीटा की वैल्यू 30, 4 5 से 20 हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस 9 और 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई होकर 10 टू दी पावर माइनस 5 बनेंगे, साइन 30 की वैल्यू हाफ 20 और अपॉन 2 10 बन जाएगा, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 ये हमारी वैल्यू हुई. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, उसकी वैल्यू सेम रहेगी न्यूटन मीटर. याद रखना टॉर्क की वैल्यू न्यूटन, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर रहता है. सो दिस इज इट अ न्यूमेरिकल एज वेल एज एक्सप्लेनेशन. ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रेफरेंस बुक, यू विल गेट मेनी मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम रेफरेंस बुक. आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. दिस इज इट फॉर टुडे. Today we have understood about electric field intensity at equatorial position and torque, very important topic, torque on a electric dipole in a uniform electric field. So keep studying, have a nice day.